मेरे हाथों पट्टे मारते हैं और मुझे डंडे से मारते हैं। इसके अलावा मेरी पीठ के ऊपर वो करंट लगाते हैं। कैराना के अंदर ना कोई इंजर हुआ है, ना ही कोई ऐसा वायलेंस हुआ है, और फिर भी कैराना से लोगों की इलीगल अरेस्टिंग हुई है। पुलिस ने रात को गिरफ्तार किए हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ तक लोगों की गिरफ्तारी की बात है, तो जिन लोगों को मैं लीगल एड देने के लिए गया था वो कुछ 10 से 11 लोग थे जो गिरफ्तार हुए थे। जिन लोगों की मैं मदद करने गया था वो CAA का प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे। वहाँ की पुलिस चाहती है कि कोई भी जो है CAA का प्रोटेस्ट ना करे। इस वजह से उन लोगों को गिरफ्तार किया। और मौन की लीगल एड के लिए गया हुआ था, इसी वजह से टारगेट करके जो है मुझे भी उन्होंने गिरफ्तार किया और झूठे फाल्स एलिगेशन लगाकर, फाल्स रिकवरी दिखाकर मुझ पर ये सारे एलिगेशन लगाए गए। ये कैराना न्यायालय के अंदर से ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। जो SOG की टीम और पुलिसकर्मी जहाँ आए थे तो वो एक तो सिविल ड्रेस के अंदर थे, उनका नेम प्लेट उनकी वर्दी पर नहीं लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार करते वक्त ये नहीं बताया कि आपको किस चार्जेस के अंदर हम गिरफ्तार कर रहे हैं और क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है DK बासु बनाम वेस्ट बंगाल, उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया है। और यहाँ तक कि गिरफ्तारी मेमो मेरा कुछ नहीं बना। जो वहाँ पे बताया CEO था जिसका नाम था, वो मेरे साथ मारपीट करता है। वो और उसकी टीम और कुछ पुलिसकर्मी मेरे साथ मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि मेरे हाथों पट्टे मारते हैं और मुझे डंडे से मारते हैं। इसके अलावा मेरी पीठ के ऊपर वो करंट लगाते हैं। इसके बाद कुछ देर मुझे बिठाने के बाद वो लॉकअप में डाल देते हैं। मुझे गालियाँ भी दी गई है, कुछ धर्म के नाम पे कुछ गालियाँ दी गई है कि एक कह सकते हैं कि ख़ास कम्युनिटी को लेकर पुलिस में जो है गुस्सा था। लॉकअप में डालने के दौरान फिर वो कुछ फाल्स कागज़ लेकर आते हैं, रिकवरी, भड़काऊ हैंडबिल्स, उस पर मुझसे सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। जब मैं उनसे मना करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे नहीं है, ये भड़काऊ पोस्टर हैंडल्स मेरे नहीं है, तब वो मुझको वापस कहते हैं कि अगर आपने इस पर साइन नहीं किया तो आपके ऊपर फिर जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। तब मैं फोर्स दबाव में आने के कारण उस पर साइन करता हूँ। पूछताछ के अंदर SOG की टीम हमसे कहती है कि आप वेस्ट बंगाल से आए। जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से नहीं आया हूँ और मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा बार काउंसिल राजस्थान का कार्ड उनको दिखाता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये कार्ड तो फर्जी है और आप कोई एडवोकेट नहीं है, आप वेस्ट बंगाल से हिंसा फैलाने के लिए आए हैं, यहाँ पर लोगों को CAA के खिलाफ भड़काने के लिए आए हैं।